सपा उम्मीदवार के साथ ये क्या हो रहा है? 6 किलोमीटर में 6 बार पुलिस ने की चेकिंग। सवाल पूछने पर पुलिस ने उम्मीदवार को धमकाया। देखिए क्यों पुलिस एमएलसी उम्मीदवार को कर रही परेशान, क्यों चेकिंग के नाम पर की जा रही है मनमानी। एमएलसी चुनाव में प्रशासन सरकार के इशारे पर नाच रहा है और पुलिस तो बीजेपी की कठपुतली के तौर पर काम कर रही है। ये आरोप लगाते हुए सपा के नेताओं ने जहां सरकार पर तंज कसा तो वहीं कई आरोप लगाए और कहा कि बेवजह परेशान किया जा रहा है। सपा के एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर कफील खान की गाड़ी को 6 किलोमीटर में 6 बार चेकिंग के लिए रोका गया और जब सवाल किया गया तो धमका दिया गया। आप भी देखिए डॉक्टर कफील खान की गाड़ी की बार बार चेकिंग का वीडियो और पुलिस का दबंगई भरा अंदाज। हमारा काम जो है वो करने दीजिए। करिए 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 आराम से करिए। हमारा जो है वहाँ पे हमने मुझे मेरा काम करने दीजिए। तो मैं कहाँ काम से आपसे शांति से खड़े रहिए। मैंने कहा है वहाँ पे 100 लोगों को मैंने काम बस निकले हैं। पर निकालो पुलिस के काम में बाधा मत डालो। मैं तो दूर खड़ा हूँ, समझ गए? चलो वहाँ जाओ, जाओ वहीं से लो, जो करना है करो। दूर खड़ा हूँ मैं आपसे, आप मुझे क्या बोल रहे हैं? ओ कैमरा मैन का खोल के देखिए आप। ये गाड़ी किसकी है? उस गाड़ी में खोलो। अंदर देखो अंदर। चलो चलो अपनी अपनी गाड़ी में बैठो। चुनाव भी लड़ा दिया? नहीं नहीं लड़िए, चुनाव देखिए स्वतंत्र है, हम नागरिक लड़े आराम से। चलो बैठो। किस बात की चिंता कर रहे हैं आप लोग? दो तीन से तीन बात नहीं, अभी अभी यहीं पे कहा हम पिछले एक घंटे से ही हम लोग मिठाई खिलाइए। मिठाई खिलाए सबको? डॉक्टर कफील खान को अखिलेश यादव ने एमएलसी का उम्मीदवार बनाया है। ऐसे में उनका आरोप है कि सियासी खुन्नस के चलते उन्हें बार बार परेशान किया जा रहा है। वहीं सपा के अन्य नेताओं का कहना है कि बीजेपी दबाव डालकर नामांकन वापस करवा रही है और जिन नेताओं पर दाल नहीं गल रही उन्हें तंग किया जा रहा है। लेकिन सपा के सिपाही हिम्मत नहीं हारेंगे और न डरेंगे। बस बीजेपी को जो करना है कर ले और जिस हद से गुजरना है गुजर जाए। आवाम सब देख और सुन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।